बात सिरसा की, जहां एक बार फिर अपने डेरों को लेकर विवाद में है। दरअसल इस बार सिरसा का नामधारी डेरा विवादों में है और बचे है 12 एकड़ जमीन। दरअसल नामधारी डेरे के दो गुट हैं, दिलीप सिंह का गुट और दूसरा उनके छोटे भाई उदय सिंह का गुट। दरअसल सिरसा के जीवन नगर में दिलीप सिंह गुट का डेरा है और इसी डेरे के साथ सटी हुई 12 एकड़ जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में कई लोग घायल हैं। गनीमत यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई है। कुछ इलाके पे जो है वो झंडा लगा भी देते हैं कब्जा करने के इरादे से, लेकिन दिलीप सिंह गुट का ये कहना है कि उनको रोकने के लिए दिलीप सिंह गुट के जो समर्थक हैं वो सामने आए और दोनों के बीच में जमकर पहले कहासुनी इतनी हुई, विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच में जमकर गोलियां चली, जिसमें बताया जा रहा है 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में शांति रहे उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ जो केंद्रीय पुलिस है उसके जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे। खुली जीप में सीएम के साथ मंत्री विश्वास सारंग। रैली के आयोजन पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 78 स्वतंत्रता दिवस आजादी का पर्व बना रहा है। भोपाल की गलियों में सड़कों पर जगह नहीं है, जबरदस्त उत्साह है। दिवस के इस महोत्सव में डूबा हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर घर तिरंगा अभियान में। दिल्ली दौरे पर आए सीएम योगी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। सीएम योगी यहां नेशनल रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे। यूपी में चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे और नए हाईवे को लेकर भी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कई दिन से तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील तक तिरंगा रैली निकाली जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। दूसरी रैली श्रीनगर के जवाहर नगर से झेलम रिवर फ्रंट तक निकाली गई जिसमें बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इन दिनों श्रीनगर में डल झील से लेकर झेलम नदी तक जश्न आजादी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही। धारा 370 हटाने से पहले कश्मीर में अक्सर पत्थरबाजी की तस्वीरें आती थी, लेकिन अब वहां शान से तिरंगा फहरा रहा है। देखिए, ये अभी बहुत बड़ी बात है जो आज आप देख रहे हैं। आप पहले, आपका वेलकम है, आप हमारे पास आए, आपका शुक्रिया, आपको खैर मंगल। यहाँ से आप देख लीजिए अभी जलसा कितना है और लोग कितने जोश खरोश से आ रहे हैं। सब चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे ऐसी आज़ादी सबको मिले जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे हमें अभी आज़ादी मिली है, हिंदुस्तान को अभी आज़ादी हुई है जो आज तक 70 साल में नहीं हुआ, आज ये पहली बार हुआ है। रेप के आरोप में कन्नौज से सपा नेता नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने किनारा कर लिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने लेटर जारी कर कहा कि नवाब सिंह यादव पार्टी एक्टिव मेंबर नहीं है, इसलिए नवाब सिंह यादव का नाम पार्टी से ना जोड़ा जाए। आपको बता दें कि नवाब सिंह पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है जिसे पुलिस ने अरेस्ट करके जांच भी शुरू कर दी है।